राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुष वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? तो शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुष जो है वृत्ताकार जो है गोला बना करके हाथों में चंग लेकर नृत्य करते हैं, तो ये शेखावटी क्षेत्र में करते हैं। नेक्स्ट है, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले से हुआ है? तो जैसलमेर से हुआ है अग्नि नृत्य का उद्गम। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जो है राजस्थान में फतेह फतेह, ये जो है टर्म, जो ये टर्म्स है, फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह। जो संत पीपा जी थे, लोक संत थे राजस्थान के, उनका जो है बचपन का नाम था प्रताप सिंह। नेक्स्ट है, देखिए राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्र बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्र बरदाई ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी? नरपति नाहले ने। नरपति नाहले ने की थी रचना किसकी? बिसलदेव रासो की। जबकि चंद्र बरदाई ने की थी रचना किसकी? पृथ्वीराज रासो की। और एक थे कल्हण, कल्हण ने की थी राजतरंगिणी की रचना। नेक्स्ट है, राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। बूंदी के महाराव राम सिंह जो थे, इनके दरबारी कवि कौन थे राजस्थान में? सूर्यमल मिश्रण। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सूर्यमल मिश्रण जो थे राजस्थान में किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो जयानक ने की थी पृथ्वीराज विजय की रचना। क्वेश्चन इस तरह भी आएगा कि जयानक के द्वारा रचित कौन निम्न कौन सी रचना जयानक द्वारा रचित है? तो पृथ्वीराज विजय। और बिसलदेव रासो लिखा था किसने? नरपति नाले ने। जबकि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। नेक्स्ट है, खुमान रासो जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? दलपति विजय ने। दलपति विजय ने किसकी रचना की थी? खुमान रासो की। देखिए बिसलदेव रासो की रचना किसने की? नरपति नाले ने। खुमान रासो की रचना किसने की? दलपति विजय ने। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की? जयानक ने। चंद्र और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रबरदाई ने। नेक्स्ट है, एक हमें अभी डिस्कस किया था कि सूर्यमल मिश्रण जो थे बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बिसलदेव की प्रेमिका राजमती कहाँ के शासक की पुत्री थी? बिसलदेव की प्रेमिका जो थी राजमती, ये कहाँ के शासक की पुत्री थी या बेटी थी? तो ये मालवा के जो शासक थे उनकी बेटी थी बिसलदेव की प्रेमिका राजमती। बिसलदेव कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ, वही बिसलदेव के नाम से जाने जाते थे। तो ये मालवा के शासक जो थे उनकी बेटी थी राजमती, जो कौन थी? बिसलदेव की प्रेमिका थी। नेक्स्ट है, देखिए बिसलदेव की वीरता, पराक्रम व राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बिसलदेव रासो में की थी? तो नरपति नाल के द्वारा जो रचित ग्रंथ है बिसलदेव रासो, इसमें उन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है? बिसलदेव की वीरता का वर्णन किया है, पराक्रम का वर्णन किया है, साथ में ही राजमती के साथ उनके प्रेम का वर्णन भी किया है। राजमती कौन था? राजमती कौन थी? मालवा के शासक की बेटी थी जिससे बिसलदेव प्रेम करता था, ये बिसलदेव की प्रेमिका थी राजमती। तो इनके राजमती के साथ इनके प्रेम का वर्णन और बिसलदेव की वीरता, पराक्रम इत्यादि का वर्णन किसमें किया है? नरपति नाल ने अपनी रचना बिसलदेव रासों में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, राजस्थान में जो है हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना किसने की थी? सारंगदेव ने। दोनों ही ग्रंथ की रचना सारंगदेव के द्वारा की गई थी, एक तो हमीर रासो, हमीर काव्य। राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वृत्ताकार में हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में किया जाता है?
देखिए गिद्ध नृत्य है जो पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गोला बनाकर हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है। पहली बात गिद्ध नृत्य है, नाम पुरुषों के द्वारा किया जाता है, अकेले नहीं किया जाता, सामूहिक रूप से किया जाता है। कैसे किया जाता है? गोला बनाकर किया जाता है, हाथों में क्या लिए रहते हैं? डंडे लेकर करते हैं। किस अवसर पर? कौन से त्यौहार पर? होली के अवसर पर। तो ये किस क्षेत्र में होता है ये गिद्ध नृत्य? देखिए शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है गिद्ध नृत्य होली के अवसर पर।